हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। RHEL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कॉन्फ़िगर सेपरेट पोर्ट फॉर SSH और SFTP। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि SSH और SFTP का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 22 पोर्ट होता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। बहुत सारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनका SFTP और SSH सर्वर दोनों ही सेपरेट पोर्ट पे वर्क होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप SSH को 222 पे और SFTP को 22 पोर्ट पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और सेपरेट पोर्ट कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अपने सर्वर में टर्मिनल को ओपन कर लीजिए। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको VI एडिटर में SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ओपन करना होगा। तो SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो SSH etc के अंदर SSH फोल्डर के अंदर SSHD_config फाइल होती है। तो चलिए हम इसे VI एडिटर में ओपन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करने के बाद देखिए, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पोर्ट शो हो रहा है। तो आपका जो पोर्ट वाली लाइन है उसके हैश प्रॉम्प्ट को आप रिमूव कर दें और पोर्ट 22 रहने दें, क्योंकि हमें पोर्ट 22 पे SFTP को रन करना है। और SSH पोर्ट को आपको जिस भी पोर्ट से रन करना है उसको आप एक पोर्ट डिफाइन कर दें। तो चलिए, जैसे मैंने पोर्ट 222 डिफाइन कर दिया। और देन आपको एट द एंड ऑफ द फाइल आपको शो होगा सब सिस्टम SFTP और जो उसका डिफॉल्ट पाथ है। आपको इस लाइन के आगे हैश प्रॉम्प्ट लगा देना है ताकि ये जो लाइन है वो सेंस ना हो। और देन आपको नेक्स्ट लाइन में मेंशन करना है सब सिस्टम SFTP और यहां आपको मेंशन करना है इंटरनल -SFTP और फाइल के एंड में आपको मेंशन करना है मैच लोकल पोर्ट 22, क्योंकि हम SFTP को 22 पोर्ट पे रन करेंगे। देन आपको मेंशन करना है फोर्स कमांड इंटरनल -SFTP। तो आपको ये तीन लाइनें ऐड करनी है जिससे आपका SFTP है वो 22 पोर्ट पे वर्क करने लग जाएगा और जो आपका SSH है वो 222 पोर्ट पे वर्क करेगा। देन आपको फाइल को सेव कर देना है। फाइल को सेव करने के बाद आपको ऐसे लिनक्स में आपके नए पोर्ट को ऐड करना होगा। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी ऐसे लिनक्स जो है वो डिसेबल मोड पे है तो आपको पोर्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में अनेबल है तब आपको ऐसे लिनक्स में भी न्यू पोर्ट को ऐड करना मस्ट है, अदरवाइज वो पोर्ट पे आपका SSH लिसन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ऐसे लिनक्स वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे SC status। तो देखिए, जैसे मेरे सिस्टम में जो SLinux स्टेटस है वो अनेबल मोड पे है तो मुझे एंट्री करना मस्ट है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे SC manage port -a -t मींस ऐड करना और t मतलब टाइप। तो हमारी जो टाइप है वो SSH port_t और देन प्रोटोकॉल डिफाइन करना है। तो हम TCP प्रोटोकॉल पे 222 पोर्ट ऐड कर रहे हैं।
तो देखिए विदाउट किसी एरर के हमारी कमांड एग्जीक्यूट होगी है, तो दैट मीन्स हमारा जो न्यू पोर्ट है वो एसए लिनक्स में ऐड हो चुका है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एससी मैनेज पोर्ट हाइफन एल और आप ग्रैब कर लेंगे एसएसएच को। तो देखिए आपके एसएसएच पोर्ट की जो टाइप है उसमें आपके दो पोर्ट आपको शोने लग गए हैं 222 और 22। क्लियर। अब आपके सिस्टम में आपको जो आपका नया पोर्ट है आपको फायरवॉल में भी ऐड करना मस्ट है, अदरवाइज फायरवॉल उसको ब्लॉक करता रहेगा। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल अपने सर्विस को स्टॉप कर रखी है तो आपको पोर्ट ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके सिस्टम में फायरवॉल अनेबल है तो आपको पोर्ट ऐड करना मस्ट है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में फायरवॉल की जो सर्विस है वो अनेबल है या डिसेबल है। तो उसके लिए हम चेक कमांड यूज करेंगे सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी। तो देखिए हमारे सिस्टम में जो फायरवॉल है वो रनिंग कंडीशन में है, तो अब हम जो पोर्ट है उसको ऐड कर लेते हैं अपने फायरवॉल में। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन एड हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू 222 अंडरस्कोर टीसीपी। तो देखिए हमारा जो पोर्ट है वो ऐड हो चुका है। आफ्टर ऐड आपको फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड करना है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन रीलोड। तो देखिए हमारी कॉन्फ़िगरेशन रिफ्रेश हो चुकी है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा पोर्ट फायरवॉल में ऐड हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे फायरवॉल हाइफन सीएमडी हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल। तो देखिए जो आपका न्यू पोर्ट है वो आपके ऐड हो चुका है आपके फायरवॉल में, और देन आपको जो एसएसएच की सर्विस है उसको रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एसएसएच डी। तो देखिए हमारी सर्विस रीस्टार्ट हो चुकी है। अब आप अपने क्लाइंट मशीन पे एसएसएच को 22 पोर्ट पे एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो वो एक्सेस नहीं होगा, और एसएफटीपी को आप 22 से एक्सेस करेंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको क्लाइंट मशीन पे चेक करा देता हूँ। तो पहले मेरे पास एक सेंटोस का मशीन है, उस पर हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इसका आईपी चेंज कर देता हूँ। पहले मैं अपना डिवाइस को एक बार डाउन कर रहा हूँ, देन मैं अप कर रहा हूँ, क्योंकि एसएसएच तभी आएगा जब दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देखिए जो मेरा एसएसएच सर्वर है उसका आईपी है 192.168.56.116। तो मेरे क्लाइंट मशीन का आईपी देखिए 56.120 है। तो अभी आप चेक कर लीजिए कि दोनों सर्वर आपस में पिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए सर्वर सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो अभी आप एसएसएच कीजिए एसएसएच रूट @192.168.56.116। तो अगर आप कोई भी पोर्ट डिफाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली 22 को सेंस करता है। तो देखिए जैसे ही आप यस किया तो आपके पास एक वार्निंग आ गई कि परमानेंटली एडिड दिस सर्विस इज अलाउड टू एसएफटीपी कनेक्शन ओनली कनेक्शन टू 56.116 इज क्लोज्ड। क्लियर। तो 22 आपने सिर्फ डिफाइन कर रखा है एसएफटीपी के लिए, तो इसलिए वो कनेक्शन क्लोज्ड हो गया है। और अब आप डिफाइन कर देंगे पोर्ट को, तो उसके लिए आप हाइफन पी 222 करेंगे। आपने पोर्ट डिफाइन कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आपका देखिए एसएसएच कॉन्फ़िगर हो गया है। मैंने पासवर्ड लेस एसएसएच कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसलिए विदाउट पासवर्ड मेरा एसएसएच गेट हो गया है। और सेम अगर आपको SFTP को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे SFTP
और हम चलिए आईपी एड्रेस मेंशन कर देते हैं 56.1.1.6। तो देखिए मेरे पास एसएफ एफटीपी रिसीव्ड हो चुका है। अब मैं एलएस करूंगा तो जितनी भी मेरी लिस्टिंग फाइल होगी वो शो हो रही है। तो इस तरह से आप एसएफटीपी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप विंडो मशीन पे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप पुट्टी के थ्रू एसएसएच गेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए 192.168.56.1.1.6। तो देखिए जब मैंने 22 पे इसको एक्सेस करने की ट्राई करी देखिए ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्योंकि अपने जो 22 पोर्ट है वो एसएफटीपी को असाइन किया हुआ है। और अब हम राइट पोर्ट यहां मेंशन कर देते हैं 222। क्लियर। और सेम अगर आपको एसएफटीपी को चेक करना है तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं विनएससीपी। तो देखिए विनएससीपी में आपका जो एसएफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, तो चलिए मैं यहां मेंशन कर देता हूं 168.56.1.1.6 और 22 पोर्ट ही रहेगा हमारा। यहां मैं यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास जो लिनक्स मशीन के जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर है वो शो होने लग गए हैं और सक्सेसफुली हमने विनएससीपी में 22 पोर्ट की हेल्प से एसएफटीपी को एक्सेस कर लिया। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में SSH और SFTP को सेपरेट पोर्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।